लेकिन ऐसा आसारा नहीं। लोधी कुल की गौरव रामगढ़ मंडला की महारानी वीरांगना मंत्री भाई लोधी के चरणों में वंदन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। शिक्षा के सागर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन देता हूँ। युवाओं की धड़कन लखनऊ में उसके उपरांत मंच पर आशीन समस्त मंच हमारा आदरणीय बिहार सिंह लोधी जी। मैं सबका नाम लेकर समय जाया नहीं करना चाहता हूँ, सभी को अपने मंच पर बैठे सभी को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच से लेकर मैदान तक पंडाल में बैठे बच्चे माताएं बहने और पत्रकार बंधुओं को इस सरजमी से इस विद्यालय की पावन भूमि से मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से ये कहा जाता है और हम मानते भी हैं कि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता उस समाज की कोई पहचान नहीं होती, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता उस समाज की कोई पहचान नहीं होती। और हमारे समाज के साथ कुछ ऐसे ही शुरुआत में हुआ था। निश्चित रूप से कुछ प्रबुद्ध जीवों ने, कुछ समाज सुधारकों ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। वीरांगना बंटी बाई लोधी के नाम पर आगे आए, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी को प्रचारित किया, शहीद सिंह लोधी को प्रचारित किया और आने वाले तमाम ऐसे प्रबुद्ध जीवों ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व निभाया। आज इस मंच पर इस कार्यक्रम के आयोजन में दो महत्वपूर्ण आयोजन है, एक विद्यालय का स्थापना दिवस भी है और दूसरा वीरांगना मंत्री बाई लोधी जिनके नाम पर विद्यालय है उनका शहीद दिवस ही शहादत दिवस भी है और हम उसे मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मातृशक्ति भी मौजूद है और उनके गार्जियन भी मौजूद हैं कि शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा ऐसी चाबी है जो हर मंजिल को आसान कर लेती है, इसलिए शिक्षा की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। कुछ अरसे से यह देखा गया है कि हमारे समाज में शिक्षा की जागरूकता की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी हमें और जागरूक होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। मैं तमाम मातृशक्ति से और गार्जियन से कहना चाहता हूँ बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। एक रोटी को खा लीजिए, हमारे समाज में एक बहुत ज्यादा यह प्रचलन है नशाखोरी का। मैं हाथ जोड़ के इस मंच से आपसे प्रार्थना करता हूँ जो लोग नशा के आदि हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं या शाम को मदिरा भी पीते हैं, दारू पीते हैं, थोड़ी सी कम कर लीजिए। मैं नहीं खाता हूँ, कहता हूँ कि आप कसम खाइए भी छोड़ देंगे। अगर छोड़ नहीं सकते तो कम कर सकते हैं। एक दिन में अगर एक बंडल बीड़ी अगर आप पीते हैं तो उसकी कीमत 10 रुपए की है, एक महीने में आप 300 की बीड़ी पी जाते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। और एक महीने की बच्चे की 300 रुपए फीस नहीं है। अगर आप पढ़ाना चाहें तो जो चीजें आप सेवन करते हैं उसमें थोड़ी सी कटौती कर लें तो बच्चे की फीस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एक काम मैं और कहना चाहता हूँ, मातृशक्तियां बैठी है, तृप्त आयुक्त होता है। पूर्व वक्ताओं ने कहा भी है कि जो मातृशक्ति है उनको दो परिवार की जिम्मेदारी होती है, उनकी एक जिम्मेदारी ये भी है स्पेशली हमारे समाज में, क्योंकि हमारा समाज कृषक प्रधान है, किसान लोग हैं, खेती करते हैं और कोई रोजगार नहीं है और खेती में हमेशा समय लगता है, तो बच्चों की शायद परवरिश में उनकी देखरेख में कुछ गुंजाइश न बचे। इसलिए मातृशक्ति से माताओं से अनुरोध है कि वो घर पर रहती है, बच्चों को इस तरह विशेष ध्यान दें। एक बात और राज्य से कहना चाहता हूँ कि हम स्कूल में इस बात से दाखिला करा देते हैं कि दाखिला करा दिया बच्चा पढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका बच्चा वहां पढ़ने जा पाई है। इसलिए हमारा एक दायित्व ये भी है कि एडमिशन लेने के बाद कम से कम 8 दिन में 15 दिन में एक समय ऐसा निकालें जो भी जिम्मेदार घर का हो विद्यालय में जाके देखें कि मेरा बच्चा आता भी है कि नहीं आता है। ऐसा करने से बच्चे को भी यह दहशत रहेगी कि हमें वाच किया जा रहा है, हमें देखा जा रहा है कि हम अगर कोई गलती करेंगे तो हमारी मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। और विद्यालय परिवार भी इस चीज को महसूस करता है कि नहीं, ये गार्जियन जागरूक है, अपने बच्चों के प्रति
के लालायित है, इसलिए उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, परिवर्तन के लिए ही हम लोग प्रयासरत हैं और इस भरोसे के साथ कल न बदला तो आज बदलेगा, कल न बदला तो आज बदलेगा, सर्दियां हर रिवाज बदलेगा और आदमी की हर तलाश करो दोस्तों, आदमी ही समाज बदलेगा, आदमी ही समाज बदलेगा। इस देश में दो लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एक किसान है और दूसरा जवान है। किसान जो पूरे दुनिया को रोटी देता है, पूरे मुल्क को रोटी देता है और जवान प्रदेश की सरस से हिफाजत करता है, अवसर की हिफाजत करता है, इसलिए दोनों बंदनी है, पूछनी है और आज किसान की सबसे ज्यादा बड़ी विडंबना है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, भारत सरकार से कि आज सीमा पर किसान मर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम सब किसान हैं, कहीं नहीं हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके उनके लिए कुछ करें, उनके साथ हम खड़े हों। लेकिन आप तो मत है, लेकिन सरकार को इतनी फुर्सत नहीं कि उनसे बातचीत करें, क्योंकि दुनिया का कोई भी मसला ऐसा नहीं जो बातचीत से हल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सम्मान करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ किसानों के साथ विडंबना क्या है, जिस चीज के लिए वो लड़ते हैं, एक उद्योगपति एक माचिस बनाता है, एक सुई बनाता है, 10 पैसे नहीं खर्च होते हैं, माचिस बनाता है 10 पैसे खर्च नहीं होते हैं, उसको अधिकार है कि माचिस पे लिखेगा खुदरा मूल्य 1 रुपया, लिखता है कि नहीं लिखता है, उसको अधिकार है। लेकिन किसान को अधिकार क्यों नहीं है? किसान को अधिकार नहीं है कि उसके गेहूं का मूल्य क्या होगा, उसके गन्ने का मूल्य क्या होगा, उसकी फसल का मूल्य क्या होगा, उसे अधिकार नहीं है। आखिर क्या हो रहा है? इस पर भी चिंता करने की जरूरत है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है, क्यों सम्मान अधिकार स्वाभिमान सभी को जरूरत है, बगैर सम्मान के जीना बेकार है। कैसा भी जीना, क्या जीना जिसकी कोई आन हो, ऐसा भी जीना क्या जीना जिसकी कोई आन हो, और वो समाज का समाज है जिसकी कोई पहचान हो, जिसकी कोई पहचान हो, तो निश्चित रूप से उस पर भी अमल करना होगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस माफी के साथ मैं विलंब से आया था, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग खेती किसानी करते हैं, कभी भी पैरेलल हमने काम करने का प्रयास नहीं किया, पैरेलल कुछ भी व्यवसाय का सोचा ही नहीं, इसलिए आज हम खेती विहीन हो गए। हमारे बाबा के पास 100 बीघा जमीन थी, हमारे बाबा के पास 100 बीघा जमीन थी और 4 बेटे उनके हो गए, प्रत्येक हिस्से में 25 बीघा जमीन ही बची। एक पीढ़ी में 25-30 वर्ष के आसे में हम 100 से 25 पे आ गए और हमारे पिताजी ने भी 4 बेटे पैदा कर दिए। अब हिसाब लगा लो मेरा बड़ी कमजोर है, एक एकड़ जमीन और दुर्भाग्य से मैंने भी दो पैदा कर दिए, तो 3 बीघा जमीन में खेती करोगे, बैल बांधोगे, झोपड़ी बनाओगे, यही कारण है सबसे बड़ी विडंबना। मैं रोज चिंतन करता हूं इस बात का कि हमारे देश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा, जहां हम रहते हैं, इस पूरे क्षेत्र का युवा, हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात पढ़ा होगा, क्यों पढ़ा है कभी चिंतन किया? क्योंकि हमने पैरेलल कभी व्यवसाय के बारे में सोचा ही नहीं, ये कभी सोचा ही नहीं कि बच्चों को पढ़ाकर सुनाई कर दे कि अगर खेती में कभी कुछ नहीं होता है तो हमारे घर का होती रहेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती रहेगी। हमने कभी नहीं सोचा, अभी देर नहीं हुई। दो काम हमें बहुत जिम्मेदारी से करने हैं, एक तो बच्चों को हर हालत में पढ़ाना ही है और दूसरा वो कि खेती के साथ हमें दूसरे व्यवसाय को भी अपनाना है। अगर नहीं अपनाएंगे तो खेती आपके लिए बस घर बनाने की बची है, झोपड़ी बनाने की बची है। दुर्भाग्य से 2 बेटे हमारे थे, उन्होंने एक ही एक कर लिया तो भी उससे ज्यादा खेती नहीं बढ़ी। तो निश्चित रूप से परिवर्तन करने की जरूरी है, उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत जिम्मेदारी का काम संस्कार है। आज हमारा समाज संस्कार विहीन है। एक दौर हुआ करता था जब पास पड़ोस के बच्चे कहीं गुप्पल खेलते थे,
ये संस्कारों का अभाव है। हमने कभी भी बच्चों को ठीक से संस्कार नहीं दिए, हमने बच्चों को कभी भी पैदा करने के बाद मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें तालीम भी ठीक से देनी है, बच्चों को ठिकाना है। बच्चे तो एक छोटे से गमले के पौधे की तरह होते हैं, जैसा सींचेंगे वैसा बड़ा होगा। इसलिए बच्चों को सही संस्कार दें। लेकिन शिक्षित ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। दुनिया में तमाम तरह के समाज में लोग रहते हैं, लेकिन सभी ने शिक्षा को प्रमुखता से जाना, लेकिन एक हमारा समाज है जहाँ शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हुआ। वो खेती बाड़ी में है, परंपरागत रूप से खेती करते रहे। शायद दूसरी ओर हमने विचार किया होता, दूसरी ओर अगर हमने सोचा होता तो शायद हम भी और तरक्की कर गए होते। शिक्षा की ओर प्रेरित होना है, संस्कारवान बनाना है, खेती के साथ साथ दूसरे व्यवसाय को भी अपनाना है। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा और दशा मिल पाएगी। क्योंकि अगर हम पीछे रहे तो आने वाली पीढ़ी, कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े नहीं है, पीछे हैं ही। और ऐसा कभी है क्योंकि हम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। कई कार्यक्रमों में देखते हैं कुर्सी खाली पड़ी रहती है, हम बैठना ही नहीं चाहते। लोग कई बार पूछ करते हैं कि नहीं बैठिए, तब भी हम पीछे हटते हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना और बदलाव के लिए हम सबको प्रयास करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और परिवर्तन के लिए प्रयासरत रहना ही पड़ेगा। समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। एक छोटी सी चींटी का भी सहयोग बड़ा होता है। कहते हैं कि जब राम के नल में राम का पुर सेतु बांध रहे थे, उसमें गिलहरी भी मिट्टी डाल रही थी। कितनी मिट्टी ले जाती होगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी भूमिका को, अपने सर्वोकांता को, अपने सम्मान को दिखा रही थी, ये बड़ी बात है। तो इन बच्चों की परवरिश में, इन बच्चों की शिक्षा में, घर के अच्छे संस्कार में हम कितनी भूमिका निभाते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सके, हमारे कुछ हाथ में ही नहीं है। ऐसा कहना बेकार की बात है, क्योंकि हमसे ही है। हम डेमोक्रेसी देश में रहते हैं, संवैधानिक देश में रहते हैं, जहाँ संविधान से चलता है, जनता के शासन जनता के द्वारा चलता है, तो सब कुछ तो जनता ही तय करती है। हम राजनीति में जब सक्रिय होते, मैं तो बार बार कहता हूँ राजनीति में सक्रियता बहुत जरूरी है। हम समाज सेवा कितनी भी कर ले, जब तक हमारे हाथ में ताकत नहीं है, राजनीतिक रूप से हम सक्षम नहीं है, प्रशासनिक रूप से हम मजबूत नहीं है, तब अपने समाज को निश्चित रूप से हम दशा नहीं दे सकते, कोई दिशा नहीं दे सकते। इसलिए राजनीति में सक्रिय होना भी जरूरी है। वहां भी हम उल्टी तरह हैं, वहां भी हम पिछड़े हैं। और हमें चंद पार्टियां हमें बैल के खूंटे में बने हुए बैल की तरह समझती हैं।
मुस्लिमों के गौरव के लिए जीता था उसको नहीं बनाया गया, क्या होगी? इसलिए कहता हूँ अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन लाने की जब बात करते हैं तो परिवर्तन लाने की बात जब करते हैं तो विचार करते हैं कि अवंती भाई पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में ये मानते हैं उसको तो मर नहीं है, तो पड़ोसी की बेटी बने मेरी ना बने, कुर्बानी कौन देगा? बच्चों के संस्कार के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर पीढ़ी कुर्बानी नहीं दे सकती तो अपने बच्चों को कभी भी ना तो संस्कारवान बना पाएंगे, ना तो शिक्षित बना पाएंगे, और शिक्षित नहीं बना पाएंगे तो आपको सम्मान भी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार की बात होती है तो बड़ी पीड़ा होती है, बहुत सारे युवा बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। निश्चित रूप से दोस्तों बदलना है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।